अब पढ़ेंगे हमारे पास दो नंबर्स और उनके HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन पॉसिबल है। तो दो नंबर आपके पास अगर है, मान के चलिए A और B, HCF और LCM में क्या रिलेशन है। दो नंबर A और B है, ठीक है, तो उनका जो HCF होगा और जो उनका LCM होगा, दोनों का गुना जो होगा, गुना उन दोनों के गुना के बराबर, उन दोनों नंबर्स के गुना के बराबर होगा। समझ रहे बात को? गुणनफल होगा, दोनों नंबरों का गुणनफल होगा। मतलब ये कह रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल से समझे, हमारे पास एक नंबर है 36 और दूसरा नंबर है 10। ओके, 36 का अगर हम फैक्टर करें, 2 × 2 × 3 × 3 होगा, और 10 का फैक्टर करें, 2 × 5 होगा। ठीक है, अब अगर हम इनका HCF निकालें, क्या निकालें? HCF, HCF तो दोनों के बीच क्या कॉमन है? 2 कॉमन है सिर्फ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच कॉमन क्या है? 2। ओके, अब अगर इनका LCM निकालना चाहे, LCM, तो इसके LCM में क्या क्या आएगा? सबसे ज्यादा 2 किस में है? फर्स्ट वाले में 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 लिखेंगे। फिर सबसे ज्यादा 3 किस में है? फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाले का 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 लिखेंगे। 5 सबसे ज्यादा किस में है? 5 सबसे ज्यादा सेकंड वाले में ही है, फर्स्ट वाले में है ही नहीं। इन सबको गुना करेंगे, हमारे पास आएगा 180। कितना आ गया? 180। ठीक है, अब देखिए, अगर हम HCF और LCM दोनों को गुना कर दें, अगर हम HCF गुने LCM कर दें, हमारे पास आएगा 2 × 180, तो ये हमारा हो जाएगा 360। और उसी तरह से हमारे जो दो नंबर है 36 और गुना 10 कर दें, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 360। तो जो ऊपर हमने कंडीशन पढ़ा था, वो कंडीशन क्या है? राइट है, और आपको ये याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो वैलिड होता है ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, ओनली फॉर 2 नंबर्स, क्लियर है? सिर्फ ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है, 3 या 4 या कितना भी नंबर बोलने से ये रूल फॉलो नहीं करेगा, क्लियर है? ओके, अब इससे हम लोग दो प्यारे प्यारे फॉर्मूले बनाते हैं, जिससे हमको सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम समझते हैं, तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला में हमें क्या पता करना है? HCF पता करना है, ठीक है, क्या पता करना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर दो नंबर का HCF निकालना है, तो आपको एक चीज़ चाहिए, क्या? प्रोडक्ट चाहिए, और उसमें भागा करेंगे आप LCM से, तो आपको LCM चाहिए। दो चीजें चाहिए। तो जैसे अब मेरे पास एक सवाल है, जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनका मेरे पास HCF दे रखा, LCM दे रखा है 96, 96, ओके, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 96 × 404, ओके, तो LCM क्या होगा? क्लियर है? अब क्या होगा? HCF निकालना है आपको। तो HCF निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट जो है 96 × 404 को भागा करेंगे किस चीज से?
9696। ठीक है, तो जब आप इसे कट करेंगे तो, ठीक है, आपका क्या आंसर होगा? 4। ठीक है, क्योंकि 9696 कटेगा 101 टाइम्स में, और 101 टाइम्स से 404 कटेगा 4 टाइम्स में, तो आपके पास आंसर आ गया 4। एस सी एफ हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? तो इस मेथड से हम इजीली एस सी एफ फाइंड कर सकते हैं। अब उसी तरह से अगर हमें कभी एल सी एम फाइंड करना हुआ, तो हमें अगर एल सी एम फाइंड करने के लिए बोल दिया कि आप सर एल सी एम फाइंड कीजिए, तो सेम चीज एल सी एम फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए और हमें एस सी एफ चाहिए। क्या चाहिए? हमें एस सी एफ चाहिए। अगर आपके पास एस सी एफ और प्रोडक्ट मौजूद है तो आप इजीली उसका क्या कर सकते हैं? तो एल सी एफ आप निकाल सकते हैं बिना किसी रूल्स के। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हमारे पास कुछ नंबर दिया हुआ है तो उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करता हूँ, हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम था, प्रोडक्ट था 360, प्रोडक्ट था 360, हमारे पास प्रोडक्ट था 360 और हमारे पास एस सी एफ था, कितना था? 2। हमारा एल सी एम आ जाएगा, क्लियर है? 360 अपॉन में 2 मीन्स 180। क्लियर है? तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं।